नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं तेजवीर सिंह आप तक स्पोर्ट्स न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर लेके चलता हूं एक टक्कर में, एक ऐसी टक्कर में जो गुजरात में आए तूफान से भी भयंकर होने वाली है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी आग उगलने वाली टक्कर की जो कल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होने वाली है। हो गए ना सॉन्ग। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ACC के होने वाले एशिया कप मैचों की। हाँ दोस्तों, कल इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से होना है। वैसे में दोनों टीमों की अगर मैं बात करूं तो दोनों टीमों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। इंडिया टीम ने जहां हांगकांग को पूरे 9 विकेट से हराया और 5 ओवर में मैच जीत लिया, हालांकि पाकिस्तान की टीम की टक्कर नेपाल से कसम कसम वाली थी। दोनों ही टीमों ने कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन देखना यह है कि कल का मैच जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाला है उसमें आपको कैसी टक्कर देखने को मिलती है। लेकिन अब तक मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान ने अपने सारे मैच यानी कि 5 में 5 मैच जीते हैं, लेकिन इंडिया टीम ने 5 में से 3 जीते हैं और 2 मैच हारे हैं। लेकिन अब कल के मुकाबले में देखना होगा, क्योंकि भारतीय की सभी टीमें हमेशा पाकिस्तान पर भारी पड़ती हैं। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको अब बताऊंगा कैसी रहने वाली है कल दोनों टीमों की प्लेइंग 11। आप मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडिया टीम की। उमा छेत्री, मुस्कान मलिक, केसवी गौतम, ब्रेडी अनुषा, तितास संधु, ये इंडिया की तरफ से अच्छे बॉलर भी हैं और अच्छे ऑलराउंडर में भी आते हैं। श्वेता सेरावत इसमें कप्तान रहेगी। गोंगड़ी त्रिशा, सोपांद्री यासरी, सौम्या तिवारी और कनिका आहूजा, इनके बाद जो 3 खिलाड़ी और हैं जो 14 सदस्यीय टीम में आते हैं उसमें श्रियंका पाटिल, जिन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी पिछले मैच में, मदीवाला ममता, पार्श्वी चोपड़ा ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और मन्नत कश्यप ने भी बहुत सदी हुई गेंदबाजी की थी। अब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की तरफ से कैसी रहने वाली है उनकी प्लेइंग 11, जिसमें आप ड्रीम 11 की टीम भी बना सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो पाकिस्तान की टीम की अगर मैं बात करता हूं तो फातिमा सना इसमें कप्तानी करेंगी, नतालिया परवेज, गुल फेरोजा, नजा आलवी इसमें विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। इनके अलावा मैं बात करूं तो सैयद अरूप शाह, सादाब शम्स, ए हनी, अनोशा नसीर और बाकी के जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। इसमें पहला और नाम आता है इमियाज फातिमा, सवाल जुल्फिकार, गुल रुख, लूबना यूसरा आमिर, ये पाकिस्तान की पूरी प्लेइंग 11 है। इनमें से आप ड्रीम 11 की टीम भी चुन सकते हैं, लेकिन मैंने जो ड्रीम 11 की टीम बनाई है अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छा अमाउंट जीत सकते हैं। पिछले मैच में मैंने हांगकांग और इंडिया के बारे में टीम बनाई थी और आपको बताया था, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उससे बहुत सारा पैसा कमाया है। मैंने इनमें 2 टीमों के बारे में चुना है। उन 2 टीमों में वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन अब तक किया है, तो ये ड्रीम 11 की टीम बनाकर आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस वीडियो की यानी कल होने वाले मैच की पूरी जानकारी। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो और आगे भी आप इस तरीके की जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करना न भूलें। और हाँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें और हाँ, कमेंट्स करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।